चलिए बनाते हैं हम आज चाट। ठेले वाली चाट है ये। इसका टेस्ट बिल्कुल ठेले वाले जैसा रहेगा। इसके लिए मैंने लिया है 1 पाव मटर, जिसे मैंने पहले फुला लिया है। उसके बाद इसके लिए आलू लिया है 4 पीस, इमली फुला लिया है, 2 पीस टमाटर है, प्याज है, मिर्च, धनिया की पत्ती, और ये पापड़ी लिया है। ये मैं बाज़ार से लेके आई हूँ। इसको घर पर भी बना सकते हैं। इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊँगी। ये सेब है ऊपर सजाने के लिए, और ये काला नमक है, और ये सादा नमक भी मैंने लिया है, ये सादा नमक है, और लहसुन जो मैंने छील के रखा है, 30 पत्ता है, और ये मसाला है मिर्च और ज़ीरा गोलकी। चलिए डालना शुरू करते हैं मटर गलाने के लिए। यहाँ मटर मैं फुला करके जो रखी थी उसे मैं कुकर में डाल रही हूँ। इसको अच्छे से कुकर में डाल दिए हैं। डाल के इसके साथ अब आलू भी डाल दे रहे हैं। इसके साथ बॉईल करेंगे। उसमें अब नमक ऐड करना है। नमक आप जितना मटर रहेगा उसी हिसाब से डाल दीजिएगा। उसमें जो 30 पत्ता है वो 30 पत्ता डाल दीजिए। लहसुन और 2-4 हरी मिर्च डाल दीजिएगा। इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये सब उबालने के वक्त डालना है। ये सब पड़ गया। अब इसमें और थोड़ा सा रंग डाल देंगे कलर के लिए। मेरे पास घर में जो कलर था मैं वो डाल दी हूँ। आपके पास एक काम घेनु रंग आता है वो डालिएगा तो उससे और बेहतर कलर आएगा। पानी थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ कि ये मटर अच्छे से गल जाए, तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। अब इसको मैं 2 से 3 सीटी इसको लगने तक पकाऊंगी। यहाँ पर मैंने इमली का पानी बना लिया है। टमाटर, प्याज, मिर्ची सब काट कर मैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में रखी हूँ। चलिए अब कुकर खोल के देखते हैं। देख लीजिए बहुत अच्छे से गल गया है। मैंने 3 से 4 सीटी लगाई है। अब ये मटर छूकर देख सकते हैं, ये हमारा मटर गल चुका है बहुत ही अच्छे से। आलू भी देख लीजिए, आलू भी गल गया है। अब चलिए इसके एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और इसे मेरे पास आलू चूरने के लिए सामान नहीं था तो मैं गिलास से चूर ले रही हूँ। आपके पास अगर आलू मैसर हो तो आप आलू मैसर से भी चूर सकते हैं आलू को। अभी से हल्का हल्का ऐसे ही कर सकते हैं। अब चलिए अब चाट को गरम कर देते हैं। इसे हल्का खट्टा पानी देके चूरना से ऐसे हल्का हल्का चूरते जाइए तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे इमली का पानी जो मैंने बना के रखा था, आप जितना सा बना खाना चाहते हैं बस उतने ही को आप पानी खट्टा पानी डाल के बना लें। थोड़ा टमाटर डाल दें कि टमाटर डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। धीरे धीरे इसको चूरते जाएं। देख लीजिए ये इस तरीके से हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से आप जैसा खट्टा खाना चाहते हैं वैसा डालिएगा। अब चलिए इसको सजाते हैं। देखते जाइए, मैंने इसमें हल्का सा टमाटर डाल दिया, धनिया की पत्ती डाल दी है। इतना आसानी से बन जाने वाला चाट है, और ठेले पर इसी टाइप की चाट मिलती है। आप इसे इतने आसानी से घर में बना सकते हैं। देख लीजिए, इसमें मसाले छीट रही हूँ। उसके आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। ये मसाले मैंने घर में बनाए थे, जो इसमें
मैं घर पे ही बनाई हूँ। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च, जीरा, गुलकी पाउडर मिलाकर भी छींट सकते हैं। पापड़ी डाल दी। आपको जैसा पसंद हो आप उस तरीके से डालें, इसको सजाएं। दही से, आप धनिया की पत्ती से, जैसा मन करे उसी तरीके से आप सजाते जाइए, और उसके बाद इस चाट का आनंद उठाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो पर। आप नए हैं तो मेरा चैनल को